हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? मैं राजेन, आपके यूट्यूब चैनल क्वांटमैटिक्स में आपका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सीखेंगे चेन रूल। चेन रूल के बारे में मैं आपको पहले बता दूं एक बार कि चेन रूल एग्जैक्टली कोई चैप्टर नहीं है, चेन रूल इज अ मेथड। जैसे आगे आने वाले दिनों में हम लोग एक और टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है एलिगेशन, तो एलिगेशन भी कोई चैप्टर नहीं है भाई, एलिगेशन एक मेथड है। और ये दो टॉपिक एलिगेशन और चेन रूल जो हम सीखेंगे, तो इससे हम बाकी सारे बहुत सारे चैप्टर्स को हम आसान बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे तरीका है, बहुत सारे ऐसे मेथड्स है जिनको सीख जाएंगे तो आफ्टर बिलोंगिंग कुछ चैप्टर आपका बहुत आसान हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चेन रूल पे कतई ध्यान नहीं देते हैं और डायरेक्ट टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम पे अटेम्प्ट लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं आज के टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम दो ऐसे टॉपिक है जिनके 80% सवाल तो इजीली तभी बन पाएंगे जब आपका चेन रूल अच्छा होगा। तो और टाइम बिना वेस्ट किए आज के क्लास को शुरू करते हैं और मैं इंट्रो करता हूं कि चेन रूल क्या क्या। आपने यूनिटरी मेथड तो सुनी होगी ना, बचपन से ही हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं यूनिटरी मेथड, ठीक है, हिंदी में बोला जाता है एकांकी नियम। तो यूनिटरी मेथड का ही अपर वर्सन है चेन रूल। क्या लिमिटेशन है यूनिटरी मेथड का, क्यों जरूरत पड़ा चेन रूल का, आज इन्हीं सारी बातों को सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सपोज करिए मैं एक सवाल लिखता हूं, तो सवाल मेरा यह है कि अगर 10 पैकेट सॉल्ट का दाम गिवन है सवाल में कि 800 रुपीज है और आपको निकालना है 6 पैकेट सॉल्ट का दाम क्या होगा, तो आप क्या करते हैं ऐसे सवालों को? बड़े साधारण सवाल है, आप यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। तो आप क्या करते हैं कि 10 पैकेट सॉल्ट का अगर दाम है 800, तो एक पैकेट सॉल्ट का दाम निकालते हैं और एक पैकेट सॉल्ट का दाम क्या होता है, तो आप लिखते हैं 800/10। मैं आज छोटे छोटे बारीकियों को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते, राइट। अब फिर वही बात कि ये तो हो गया आपका, मैं लिख नहीं रहा हूं 800/10 यानी कि 80, और जब आप फिर 6 पैकेट का दाम निकालते हैं तो आप लिखेंगे 80/6। तो आप देखिए एक बात, मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि यहां पे आपने डिवाइड किया, मेरा सवाल है क्यों, और यहां पे आपने मल्टीप्लाई किया, मेरा सवाल है क्यों। इस छोटे से बारीकी को समझते हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि 10 से चूंकि 1 हो गया यानी कि घट गया, नंबर ऑफ पैकेट घट जाने से हम डिवाइड करते हैं, और 1 से चूंकि 6 हुआ बढ़ गया, इंक्रीज हो गया नंबर ऑफ पैकेट, इंक्रीज होने से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर डिक्रीज हो जाएगा तो हमें डिवाइड करना है और इंक्रीज हो जाएगा तो हमें मल्टीप्लाई करना है, बट अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो वो गलत है। मैं इस बात को नहीं काट रहा हूं कि इंक्रीज होने से मल्टीप्लाई करना है और डिक्रीज होने से डिवाइड करना है। मैं क्या बोल रहा हूं कि आप अगर ये सोचते हैं कि ये कंपैरिजन 10 से 1 का लेफ्ट हैंड साइड का होता है, तो ऐसा नहीं है भाई, कंपैरिजन होता है राइट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड का घट जाने से या बढ़ जाने से राइट हैंड साइड में कैसा असर पड़ेगा, राइट हैंड साइड में बढ़ेगा या घटेगा, उस पर डिपेंड करता है आपका ये नोटेशन जो मैंने लिखा है। तो आप मुझे बताओ, अगर 10 पैकेट का 800 रुपया है, राइट हैंड साइड के असर को इमेजिन या सोचने की कोशिश करो, 10 पैकेट का दाम 800 रुपीज, तो एक पैकेट का दाम क्या होगा, दाम क्या होगा, ये नंबर ऑफ पैकेट घट गया इसलिए नहीं, दाम या प्राइस क्या होगा। तो आप बोलेंगे भाई प्राइस घटेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो अगर प्राइस घटेगा तो इसीलिए हम डिवाइड कर रहे हैं। फिर आप देखो कि एक पैकेट का दाम यहां पे अब मैं लिख देता हूं कि 80 रुपीज, एक पैकेट का प्राइस अगर 80 तो 6 पैकेट का दाम ऑब्वियसली बढ़ेगा, बढ़ रहा है ना, राइट हैंड साइड बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लाई। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे, और अगर आपके दिमाग में पहले से यह प्रॉब्लम था कि आप लेफ्ट हैंड साइड के कंपैरिजन को समझते थे, तो गलत था और वो चेन रूल में आपको प्रॉब्लम करेगा। तो अब यहीं से इस मोमेंट से आप उसको सुधार लीजिए। फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ मोमेंट, मैं इस बात को और बेहतरीन तरीके से आपके सामने रख रहा हूं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूं, मेरा सवाल है कि 10 आदमी अगर 8 दिन में करते हैं किसी काम को, तो उसी काम को 4 आदमी कितने दिनों में करें। तो आप एक चीज सोचो, यूनिटरी मेथड अगर लगाते हैं तो एक में क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कि मल्टीप्लाई, खुद सोचो। 10 से 1 हुआ ना, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड सोचू तब तो डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज हुआ तो हमें तो डिवाइड करना चाहिए, मगर हम डिवाइड नहीं कर सकते या ना करते हैं हम लोग, क्यों नहीं करते? देखिए एक बात, 10 आदमी को लग रहा है 8 दिन, तो एक आदमी नंबर ऑफ मैन घट गया, यहां डिक्रीज हो गया, इससे आपको कोई भी कंक्लूजन नहीं निकालना है, इसका कंक्लूजन काम ही नहीं आता। आप इसका असर राइट हैंड साइड में चेक करो कि नंबर ऑफ मैन अगर घट गया भाई तो नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे, राइट,
नंबर ऑफ डेज अगर बढ़ेंगे तो, अगर बढ़ेंगे तो हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहां पे होगा 10 × 8 दैट इज 80 डेज। अब बात आई होप आपको समझ में आ रहा है कि लेफ्ट हैंड, मैं बार बार बोल रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड का कंपैरिजन नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड से कंक्लूजन नहीं निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड का असर राइट हैंड साइड में क्या पड़ता है उस पे कंक्लूजन निकालना है कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस हम मल्टीप्लाई करेंगे या तो डिवाइड करेंगे। अब आप फिर सोचो कि एक मैन को लग रहा है 80 डेज, अब नंबर ऑफ मैन बढ़ रहा है ना, अगर नंबर ऑफ मैन बढ़ रहा है ये इंक्रीज हो रहा है, रहने दो, इसका इंक्रीमेंट का असर इधर कैसे पड़ेगा? तो आप देखोगे कि एक आदमी अगर 80 डेज ले रहा है तो चार आदमी नंबर ऑफ डेज घटेगा ना भाई, नंबर ऑफ डेज घटेगा तो आपको डिक्रीज होगा और डिक्रीज होने के लिए आप अभी डिवाइड करोगे, यानी कि होगा 20 डेज। आई होप अब आप बात समझ रहे हैं। अगर आपके दिमाग में ये प्रॉब्लम था, मैं बार बार बोल रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर करते तो इन दोनों सवालों को रिवाइंड करके आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। यहां 10 के बदले 1 हुआ तो डिवाइड किए, यहां 10 के बदले 1 हुआ बट मल्टीप्लाई किए, तो कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए जो हर जगह काम आए। तो होता क्या है फिर, राइट हैंड साइड का होता है, राइट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। अब आओ, मैंने यहां पे दो बातें रखी है आपके सामने, मैं इससे ये समझाना चाहता हूं कि यूनिटरी मेथड रहते हुए हमें चेन रूल की जरूरत क्यों पड़ी। यूनिटरी मेथड का ही अपर वर्सन है चेन रूल। मैंने फिर उसी सवाल को लिखा है कि 10 पैकेट का दाम 800 तो 6 पैकेट का दाम कितना। फिर मैंने क्या किया कि 10 पैकेट, वेट ऑफ ईच पैकेट इज 1 किलो नाउ, तब इन 10 पैकेट का, जिसका हर एक पैकेट 1 किलो का है तो 800 रुपया दाम। और सवाल यह कह रहा है कि 6 पैकेट, अब हर एक पैकेट का दाम 750 ग्राम, तो दाम क्या होगा। मैं लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं, आई होप आप बात को समझ रहे होंगे सवाल क्या कह रहे हैं। तो इसको हमने यूनिटरी मेथड से बनाया। यूनिटरी मेथड ऐसे सवालों के लिए बखूबी काम करता है जहां पे सिर्फ दो पैरामीटर है, आप देखिए, एक नंबर ऑफ पैकेट और एक प्राइस। यहां पे यूनिटरी मेथड प्रॉब्लम करेगा क्योंकि यहां पैरामीटर बढ़ रहा है, जैसे ही दो से ज्यादा पैरामीटर होगा तो वहां पे आपका यूनिटरी मेथड प्रॉब्लम करेगा। जैसे यहां पे एक पैरामीटर है पैकेट का, एक पैरामीटर है वेट का और एक पैरामीटर है प्राइस का। तो पैरामीटर जब बढ़ता है तो अगर हम चाहें तो यूनिटरी मेथड से डील तो कर सकते हैं। क्या करना होगा, इसको यहां पे डाल करके इस पूरे चीज को मिला करके एक पैरामीटर बनाना पड़ेगा, चाहे वो नंबर ऑफ पैकेट का बनाए चाहे वेट का बनाए। यानी कि जैसे भी करके आपको दो पैरामीटर में ट्रांसलेट करनी है सवाल को, तभी जाके यूनिटरी मेथड से डील होगा। तो इसी लिमिटेशन को खत्म करने के लिए आया है चेन रूल। चेन रूल में जितने भी पैरामीटर हो कोई समस्या नहीं होती है। अब देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मैं चाहता हूं कि आप समझ लें, कि बाद में अगर मैं उसको यूज करूं तो आपको समझ में आए। यहां पे एक ये लाइन है, हम इसे कहेंगे नॉन रो। क्यों? क्योंकि इसमें सारा वैल्यू गिवन है, ठीक है, और एक रो यहां पे बन रहा है भाई, ऐसे रो को मैं नॉन रो नाम दिए, ठीक है, जहां पे एक फाइंड आउट करने वाला चीज आपका रखा हुआ है। तो रो के बारे में आप जानिए। अब मैं एक बात कहता हूं कि ये एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ, इसी को तो आप पैरामीटर कह रहे हैं, तो इसे हम नाम देंगे। देखिए, तो मैंने यहां पे क्या किया, आपको पैरामीटर को समझाया, तीन पैरामीटर है ना यहां पे, तो उसमें से दो पैरामीटर तो आपके नॉन है, नंबर ऑफ पैकेट भी दोनों रो में आपको जानते हैं, वेट भी आप दोनों रो का जानते हैं, आप क्या नहीं जानते वही चीज अननोन पार्ट कह रहे हैं। तो वन बाय वन मैं सारा चीज बताता हूं आपको। मैंने यहां पे कहा आपका पहला टिप्स है कि कंपेयर ईच नॉन पार्ट विद द अननोन। आपको हर एक नॉन पार्ट को अननोन पार्ट से कंपेयर करना है। किस लिए, मैं ये भी बता दूं, कंपेयर जब करेंगे तो आप बस एक चीज नोटिस करने की कोशिश करना कि नॉन पार्ट में और अननोन पार्ट में रिलेशन किस तरह का है, रिलेशन डायरेक्ट है कि रिलेशन इनडायरेक्ट है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन किसे कहते हैं, तो मैं इस जंक्चर पे उसे भी एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। सपोज करिए मैं कहता हूं कि ए एक क्वांटिटी है और बी एक क्वांटिटी है। ए और बी में रिलेशन दो तरह के हो सकते हैं। पहला, कि ए अगर इंक्रीज कर रहा है और वो मजबूर कर रहा है बी को भी इंक्रीज होने में, जैसे यहां पे था, नंबर ऑफ पैकेट बढ़ने पे प्राइस भी बढ़ रहा है, यानी कि ये ऐसा पैरामीटर है जो इसको अपने तरह से बिहेव करवा रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा, ये घट रहा है तो ये घटेगा। तो अगर रिलेशन ऐसा है, या रिलेशन ऐसा है कि ए अगर डिक्रीज हो रहा है तो बी भी डिक्रीज होगा, राइट, तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं भाई डायरेक्ट रिलेशन। दूसरा पॉइंट, इनडायरेक्ट रिलेशन किसे कहते हैं,
सपोज करिए मैं कहता हूं कि ए एक पैरामीटर है, क्वांटिटी है, और बी एक क्वांटिटी है। ए और बी के बीच रिलेशन कैसा है कि ए अगर इंक्रीज हो रहा है तो बी को घटने पे मजबूर कर दे, या ए अगर डिक्रीज हो रहा है तो बी को इंक्रीज होने पे मजबूर कर दे, मतलब उल्टा हो। जैसे अगर मैं यहां पे बोलूं, सपोज करिए एक बात, मैं कहता हूं कि ये आपका अननोन पार्ट है, ये आपका नॉन पार्ट है। तो आप बात को इस तरह से समझो कि नंबर ऑफ मैन और डेज, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, इन दोनों में रिलेशन कैसा है। अगर नंबर ऑफ मैन में बढ़ाऊंगा तो डेज घटेगा ना, या नंबर ऑफ मैन में घटाऊंगा तो डेज बढ़ेंगे। यानी कि रिलेशन कैसा है भाई, इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन किसे कहते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैंने अभी तक आपको यह समझाया कि ईच नॉन पार्ट को अननोन पार्ट के साथ कंपेयर करने और आपको डिसाइड करने कि रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। ठीक है, अब एक दूसरा टिप्स आप सुनो, अगर इसी सवाल को करते हैं तो मैंने कहा कि फॉर अननोन पार्ट पुट एन एरो डाउन साइड ऑलवेज। मतलब जब अननोन पार्ट के बारे में आप विचार कर रहे होंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, अननोन पार्ट में ऑलवेज आपको एक एरो डाउन साइड देना है। और नॉन पार्ट के लिए आपको चक्कर क्या है, हमेशा नॉन पार्ट के लिए एरो डाउन साइड भी हो सकता है लाइक दिस, और एरो अप साइड भी हो सकता है। डाउन साइड कब होगा, देखो मैंने टिप्स में लिख दिया है, फॉर नॉन पार्ट पुट एन एरो डाउन साइड इफ रिलेशन इज डायरेक्ट। आपको हर नॉन पार्ट के साथ अननोन पार्ट को कंपेयर करना है और पता चलता है अगर कि नॉन पार्ट जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में है तो आपको एक एरो डाउन साइड में करना है, और पुट एन एरो अप साइड इफ रिलेशन इज इनडायरेक्ट। मतलब क्या कि अगर आपको ये पता चलता है कि रिलेशन जो है वो इनडायरेक्ट है तो आपको एरो नीचे से ऊपर की ओर बनाना है, बस इतना ही बात है। ठीक है, तो हम कंपेयर करते हैं फिर समझते हैं एरो का चक्कर क्या है, एरो का माजरा क्या है। तो आप मुझे बताओ, मैंने कहा आपको कि हर नॉन पार्ट को अननोन पार्ट के साथ कंपेयर करो, मतलब इसको इसके साथ एक बार कंपेयर करना है और इसको इसके साथ एक बार कंपेयर करना है। अब कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करते वक्त ये गलती मत करना कि 10 के वजह से देखना फिर 6 के बारे में सोचना, ऐसा मत करना प्लीज। आप इस सेकेंड वाले लाइन को भूल जाओ, बस पहले वाले लाइन पे फोकस करो और उस पे सोचो। और जब किसी पार्ट के बारे में आप कंपेयर करने जा रहे हैं तो अगला जो नॉन पार्ट है कीप इट एज फिक्स, सेम मानिए उसको कि ये नहीं बिगड़ा, ये कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब आप सोचो कि 10 पैकेट का दाम 800, इस नॉन पार्ट को आप इस अननोन पार्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसके बारे में नहीं सोचना है पहला बात, इसको फिक्स सोचना है, और सेकंड वाला लाइन नहीं देखना है कि 10 से 6 हुआ तो क्या होगा, इस तरह से आप कभी नहीं समझ सकते। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, 10 पैकेट का दाम 800, हमें सिर्फ रिलेशन जानना है, रिजल्ट नहीं, आंसर नहीं। तो नंबर ऑफ पैकेट अगर बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा ना, यानी कि डायरेक्ट है। नंबर ऑफ पैकेट अगर घटेगा तो प्राइस भी घटेगा ना, यानी कि डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट है, तो अननोन पार्ट में हम एरो कैसे लगाएंगे भाई, नीचे की ओर। अब इस वाले नॉन पार्ट से इस वाले अननोन पार्ट का कंपेयर करेंगे तो यहां पे एक बात और करना चाहिए कि ये किलोग्राम में ये ग्राम में है, दोनों का यूनिट को सेम कर देते हैं तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू योर 1000। जब इस वाले नॉन के साथ आप इस अननोन को कंपेयर कर रहे हैं तो इसे फिक्स मानिए। ठीक है, और सेकेंड वाला लाइन मत देखिएगा अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते वक्त। आप सोचिए कि 1 किलो का दाम या 1000 ग्राम का दाम 800 रुपया, वेट आप बढ़ाना ही जाएंगे दुकान में तो ये प्राइस भी बढ़ने लगेगा, या वेट घटाने लगेंगे तो ये प्राइस भी घट जाएगा, यानी कि डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट है भाई, तो एरो कैसा है। ठीक है, तो एरो मैंने डाल दिया। अब मैं एरो के मीनिंग को समझाता हूं। सपोज करिए मैं कहता हूं कि जैसे यहां पे 10 पैकेट और 6 पैकेट लिखा हो, मैं उस चीज को लिखता हूं यहां पे 10 और 6, और आपने एरो डाला है ऐसा, इस तरह का एरो डाला है ना, इसका मतलब है आपको एक रेशियो जो बनाना है वो 10 पहले इज टू 6 बाद में, ये करना है। समझ में आ रहा है बात, एरो का क्या मतलब है। और कहीं आपने उसी 10 और 6 में एरो को ऐसे लगाया होता, अपसाइड की ओर लगाया होता, तब जब आप जो रेशियो लिखते उसमें 6 पहले और 10 बाद में, पॉइंट समझ में आ रहा है। एरो का इतना ही काम है, एरो हम इसीलिए प्लेस कर रहे हैं। अब यहां पे इस पॉइंट पे, इस टिप्स पे एक बात और सीखी जा सकती है, क्या कि भाई जब इन चीजों को हम आपस में रेशियो बनाते हैं तो जरूर इन चीजों को रिड्यूस भी तो कर सकते हैं। क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करने से पहले हमारा डेटा ही छोटा हो जाएगा तो छोटे डेटा पे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। कैसे, जैसे ये 2, 5, 2, 3 कैसे भी लिखें, अब अगर डाउन साइड हुआ है तो 5:3 होगा और अप साइड हुआ है तो 3:5 होगा। अब आइए मैं चौथा टिप्स आपके सामने रख रहा हूं, चौथा स्टेप्स क्या करना है आपको,
कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नॉन पार्ट के रेशियो बने सबको लिखिए, ठीक है, जितने भी नॉन पार्ट है, अभी जैसे दो नॉन पार्ट है, तीन नॉन पार्ट है, चार नॉन पार्ट है, घबराना नहीं है, ठीक है, जितने भी नॉन पार्ट है सबके रेशियो को लिखिए। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा भाई, तो आप कहेंगे 10:6, आप रिड्यूस करके भी लिख सकते हैं, मैं इसलिए अभी रिड्यूस नहीं कर रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि इस पॉइंट पे आपको सारा डेटा सेम टू सेम दिखना चाहिए। फिर इसे आप क्या लिखेंगे, 1000:750, लेफ्ट हैंड साइड में आप सारे नॉन पार्ट के रेशियो को लिख लिए। अब राइट हैंड साइड में क्या करना है आपको, राइट हैंड साइड में आपको अननोन पार्ट, एक ही अननोन पार्ट होगा भाई, उस अननोन पार्ट का रेशियो को लिखना है। तो अननोन पार्ट का रेशियो ऑलवेज होगा ऊपर से नीचे की ओर। अब इसके एग्जीक्यूशन को समझते हैं, तो फिफ्थ पॉइंट में एग्जीक्यूशन को लेके आता हूं, ठीक है। आप समझो एक बात कि अगर मैं कहूं कि दो रेशियो है, एक रेशियो A:B, ठीक है, और वो बराबर है C:D के, ठीक है, तभी तो प्रोपोर्शन में है। इफ टू रेशियोज आर सेम देन दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। आप सॉल्व कैसे करते हैं, यहां पे आप जरूर लिख रहे होंगे A/B इज इक्वल टू C/D। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, A मल्टीप्लाइड विथ D इज इक्वल टू B मल्टीप्लाइड विथ C। इस पॉइंट को समझ, अगर आप इस पॉइंट को समझते हैं तो आपको बीच के स्टेप्स आप जंप कर सकते हैं, और ऐसे जहां पे नंबर ऑफ पैरामीटर ज्यादा है उस तरह के सवाल को आप इजीली सॉल्व कर सकते। हुआ क्या, A:D मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट बराबर हो गया इसका और इसका प्रोडक्ट का, और ये होता भी है एक्चुअली। टर्मोलॉजी में अगर जाएं तो इक्वल टू के दो सामने वाले टर्म को हम लोग कहते हैं मीन टर्म, और जो दूर वाले टर्म है उनको कहते हैं एक्सट्रीम टर्म। तो मीन टर्म और एक्सट्रीम टर्म अगर आप समझ गए तो एक कंक्लूजन और है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। इसीलिए ऐसा हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म यानी कि बी मल्टीप्लाइड बाई सी इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म यानी कि ए मल्टीप्लाइड विद डी। अगर आप इस चीज को समझते हैं तो इसे एग्जीक्यूट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप बोलो अब क्या लिखोगे, क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि ये और ये तो मीन टर्म है, यानी कि 6:750:800 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। तो एक्सट्रीम टर्म कौन है भाई, ये 10, ये 1000 और ये x, यानी कि आप लिखेंगे 10:1000:x। ये भी आप खुद से भी कर सकते हैं कि इतना ना लिखें, x के जो साथी हैं जो साथ में मल्टीप्लाई हो से डायरेक्ट यहां नीचे लिख दें, यानी कि अगले स्टेप्स में आप यही करेंगे ना, x इज इक्वल टू 6:750:800 डिवाइडेड बाई 10:1000। तो फिर मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट को समझिए, इस पॉइंट को अगर आप समझ जाएंगे तो आप इस स्टेप से भी बच जाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म 6, 750 और 800 ऊपर चला गया, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म में x का साथी कौन कौन है, 10 और 1000। तो x को अगर आप रखते हैं तो 10 और 1000 नीचे चला जाएगा भाई, सिंप्लीफाइड, ठीक है। तो देखिए क्या क्या हो रहा है, ये 2020 स्वाहा, ये 1010 स्वाहा, 2 3 6 2 5 10 5 15 75, यानी कि आपका हो जाएगा 15:8 120, 120:3 3 12 36 360 तो 360 रुपीज, दैट इज योर आंसर। मुश्किल लग रहा होगा, मैंने बहुत सारा चीज समझाया एक बार, अगर आप सवालों में उतर जाएंगे तो चेन रूल आपके लिए चुटकियों का खेल बन जाएगा, ट्रस्ट में। सपोज करिए एक बड़ा क्वेश्चन तो मैंने करके दिखाया, इस छोटे तुच्छे से क्वेश्चन को अगर यूनिटरी मेथड से ना करके हम चेन रूल से करते तो क्या होता, देखिए मैंने कहा था कि पैरामीटर दो है, ये एक अननोन पार्ट है और ये एक नॉन पार्ट है, तो इसको इससे आप कंपेयर करेंगे। अब देखो स्टेप बाय स्टेप, अननोन पार्ट में एरो हमेशा ऐसा होगा, नॉन पार्ट से कंपेयर करेंगे तब जाके एरो लिखेंगे। तो आप सोचो 10 पैकेट का दाम 800, इसको भूल जाओ, नंबर ऑफ पैकेट बढ़ेंगे तो प्राइस बढ़ेंगे डायरेक्ट, तो एरो कैसा होगा, ऐसा। अब आप जानते हैं इनका रेशियो बनने वाला है, तो इसे आप रिड्यूस पहले ही कर लो, 2:3 और ये 2:5, यानी कि रेशियो क्या होगा, तो 5:3। अब फिर डाउन, दिस इज इक्वल टू 800:x, ये मैं जस्ट आपको स्टेप जंप करवाना सिखा रहा हूं। x का वैल्यू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी कि 800:3 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय 5, x का साथी नीचे आ जाएगा। तो कटेगा कैसे भाई, 5 16 180 10 3 16 48 480 रुपीज,
बात समझ में आया? कुछ भी नहीं है, समझना था इसलिए इतना लंबा हो गया। आगे सवालों को हम लोग डायरेक्ट करेंगे और सीखते हुए करेंगे। एक या दो सवाल मैक्सिमम मुझे लगता है कि बता देना चाहिए आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आते हैं पहला सवाल के साथ। तो पहला सवाल है कि 36 मैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज, 36 लोग मिल करके किसी काम को 18 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल 27 मैन कंप्लीट द सेम वर्क। अभी प्लीज आप ये मत करना कि भाई बहुत इजी सवाल है तो ऐसे ही बन जाएगा, व्हाई यूजिंग चेन रूल। चेन रूल सीखना है तो इजी सवाल से स्टार्ट करना चाहिए। आप मुझे बोलो कि 36 मैन है और बोला है कि 18 डेज में करेगा, और आपसे पूछा है कि 27 मैन होंगे तो वही सेम काम कितना दिन लगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखो, ये एक अननोन पार्ट है और एक ही नॉन पार्ट है। अननोन पार्ट का एरो आपको हमेशा ऐसा करना है, नॉन पार्ट का एरो सोच समझ करके करना। 36 मैन को 18 दिन लग रहा है, अब 27 पे मत आ जाइए। अब बस ये सोचो कि 36 मैन 18 डेज ले रहा है, नंबर ऑफ मैन अगर बढ़ाऊंगा तो डेज के साथ क्या होगा, डेज डिक्रीज होगा। या यूं सोचो कि मैन अगर डिक्रीज होगा तो डेज बढ़ेगा, यानी कि इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट है तो ये जो नॉन पार्ट है इसका एरो ऐसे होगा। ठीक, अब आपको पता है कि इनका आपस में रेशियो बनता है तो आप रिड्यूस कर सकते हैं, तो 9:3 और ये 9 बन जाएगा 4। यानी कि आप क्या लिखोगे रेशियो में, 3:4 नीचे से ऊपर की ओर, एरो का काम ही यही है आपको बताना रास्ता, इज इक्वल टू 18:x। दैट मींस x का वैल्यू क्या होगा भाई, 4 और 18 इकट्ठे आएगा ऊपर और नीचे चला जाएगा x के साथ एक्सट्रीम टर्म का जो प्रोडक्ट है 3। आप रिड्यूस करोगे तो 3 6 18 4। क्लियर हो रहा है बात, आसान लग रहा है ना? आसानी है। ठीक है, एक सवाल और करूंगा और वो आज के क्लास का लास्ट सवाल होगा, मुझे लग रहा है ओवरडोज होना जाए। ठीक है, दूसरा सवाल आज के क्लास का क्या कह रहा है कि 10 मैन वर्किंग 6 आवर पर डे कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज, 10 लोग 6-6 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को 18 दिन में निपटा सकते। हाउ मेनी आवर पर डे मस्ट 15 मैन वर्क्स टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। 15 लोग कितने घंटे प्रतिदिन करके काम करें भाई कि वो काम सेम काम 12 दिन में खत्म हो जाए। तो आइए करते हैं। देयर आर 10 मैन, एज सिंपल एज दैट, 6 आगे जैसे जैसे प्रोसीड करूंगा क्लास में, मैं और भी आपको बातें बताऊंगा जिससे आपको ये सारा चीज भी बहुत आसान बन जाएगा, इवन आपको चेन रूल और फास्ट तरीके से यूज करना भी आ जाएगा। ये एक अननोन पार्ट है, ये एक नॉन पार्ट, ये एक नॉन पार्ट, तो इसका एरो तो मैं पहले ही लगा देता हूं ऐसे। अब आप मैन के साथ वर्किंग आवर पर डे का कंपेयर करना है, पहला टिप्स, कंपेयर इच नॉन पार्ट विद द अननोन, मतलब इसके साथ इसका एक कंपैरिजन और इसके साथ इसका एक कंपैरिजन। तो आप मुझे बताओ, अगर 10 मैन को 6 आवर पर डे लगता है किसी काम को एक पर्टिकुलर टाइम में खत्म करने के लिए, इसे फिक्स मानो, इसे सेम मानो, तो नंबर ऑफ मैन अगर मैं बढ़ा दूं तो वर्किंग आवर पर डे घटाने से भी तो चलेगा, कॉमन सेंस है, लॉजिक है। तो इसके साथ इस पार्ट का क्या रिलेशन है भाई, इनडायरेक्ट है ना, तो इनडायरेक्ट है तो आप एरो को कैसे करेंगे, नीचे से ऊपर। अब आप ये वाला कंपैरिजन देखो, 18 दिन में किसी काम को खत्म करना है तो 6-6 घंटा प्रतिदिन काम करना होगा। आप अपने एग्जाम के पहले जो आप पढ़ते हैं उसी के साथ सोच के देखो ना कि आप 6 घंटा प्रतिदिन करके काम करते हैं तो 18 दिन बाद एग्जाम होने वाला आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर आप ये बढ़ा दें, या आप इधर से अगर सोचना चाहते हो तो ये सोचो कि आपके पास डेज बढ़ गया, एग्जाम पोस्टपोन हो गया, तब आप क्या करते हो, इसे डिक्रीज करके भी चलेगा, सिलेबस कवर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसे बढ़ा दूं तो ये घटाने से भी चलेगा, और आगे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि घटाने से क्या होगा, रिलेशन सेम होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन भी इनडायरेक्ट है, तो आप क्या करेंगे, एरो एक ऐसे लगाएंगे। अब आप जानते हैं कि इन चीजों का रेशियो बनने वाला है, तो इसे पहले ही सॉल्व कर लो, 5 3 5 2 6 2 6 3। ठीक है, आइए अब रेशियो लिखते हैं। ये रेशियो कहता है आपको कैसे लिखने के लिए, 3:2। नॉन पार्ट का एक रेशियो और है और वो कहता है कैसे लिखने के लिए, 2:3। अननोन पार्ट में क्या है, 6:x। तो आप बोलो x का वैल्यू क्या होगा, 2 × 3 × 6, मीन टर्म ऊपर चले जाएंगे, डिवाइडेड बाई x का साथी कौन है, 3 और 2, वो नीचे आ जाएगा। तो 3 × 2 2 × 3 कट जाएगा भाई, तो 6 आवर पर डे यहां भी यही आंसर है। आई होप इस क्लास से जितनी भी सीखने वाली चीजें थी आपने सीख ली,
आगे आने वाला जो पार्ट होगा उसमें मैं सिखाऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। धीरे 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 मैं वैरायटी को भी चेंज करूंगा, क्वेश्चन को इजी से लेकर मॉडरेट, फिर टफ क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, और आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका फिर से तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में, और बहुत ही अच्छे अच्छे सवालों के साथ। ऑल द बेस्ट गाइस।